देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का किया उद्घाटन, कहा राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भूपेंद्र पटेल आज लेंगे सीएम पद के शपथ, शपथ ग्रहण में पहले बीजेपी की बैठक होगी। लखनऊ में पुलिस ने भारी वाहनों पर लगाई लगाम, राजधानी में नहीं भारी वाहनों की एंट्री। अलीगढ़ में नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, वार्ड नंबर 69 के लोगों में आक्रोश। सुपर ओवर के रोमांच में जीता भारत, स्मृति मंधाना का तूफानी प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रयागराज के कुंभ नगरी में आगामी 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होगी, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु व कल्पवासी आते हैं और एक महीने संगम की रेती पर रहकर पुण्य लाभ कमाते हैं। तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन व मेला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य कराए जा रहे हैं। बीते दिनों यहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे और उन्होंने आला अधिकारियों के साथ माघ मेले की तैयारियों के साथ आगामी 2025 में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसके साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि माघ मेला की तैयारियां 2025 में लगने वाले कुंभ की रिहर्सल के तौर पर की जाए, ताकि माघ मेला व कुंभ में आने वाले श्रद्धालु कल्पवासियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत आगामी 6 जनवरी से होनी है। अगर तैयारियों की बात की जाए तो बीते दिनों प्रयागराज में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था, जहां पर ICCC के सभागार में सूबे के मुखिया ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। माघ मेले की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि जमीनी स्तर पर तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन और मेला प्रशासन लगातार तैयारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करा रहा है। जगह जगह पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं मजदूर लगातार मेला क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मेला की तैयारियाँ वो पीछे चल रही हैं, लेकिन आगामी 6 जनवरी से शुरू होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होनी है और मेला प्रशासन का दावा है कि यात्रियों को तथा कल्पवासियों के आने से पहले मेला प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं कर लेगा। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान देते हुए कहा कि मायावती को यूपी की राजनीति समझने के लिए कमरे से बाहर आना होगा। इसके साथ ही उन्होंने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक होने पर कहा कि अखिलेश शिवपाल का एक होना और अलग होना उनके परिवार की राजनीतिक नौटंकी है। जानकारी के मुताबिक अनिल राजभर नगर पालिका परिषद के विकास कार्यों का लोकार्पण करने गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने शहर में 19 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। शौचालय स्वच्छता तो हमारी प्राथमिकता है, हमारा मिशन है, अभियान है, उसको भी क्या बिल्डिंग ढहने के बाद या क्या होगा? नहीं, आप जैसे ढहने लायक रहेगी तो उसको ठीक से बनाएंगे, नया बनाएंगे। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश ये शिवपाल यादव शामिल हो गए, क्या लगता है कितना नफा नुकसान? किस जनाधार की बात करते हैं ये लोग? कौन है, कहाँ ये है, ये कहीं जनाधार क्या है? जनाधार आप बताएं, कहाँ अलग हो के कौन अलग है? हमेशा से आपस में मिलजुल कर एक अलग तरीके के ट्रेंड को चलाने का एक प्रयास करते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि ये उनके परिवार की नौटंकी है और राजनीतिक नौटंकी है, और आज देखिए उसका पटाक्षेप हो गया कि नहीं हो गया।
मथुरा में मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव पत्नी डिंपल के साथ पहुंचे। वहां पर उन्होंने वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। वहीं अखिलेश को देख दर्शकों की भीड़ भी मंदिर में जमा हो गई, जिसके चलते हुए काफी देर वहां माहौल बदल गया। इसके साथ ही मीडिया के सवालों पर अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा एवं व्यापारियों पर हो रहे GST उत्पीड़न को लेकर विरोध किया। मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। लखनऊ में काकोरी थाना के ACP और पारा कोतवाली के इंस्पेक्टर शहर के अंदर आ रहे भारी वाहनों पर लगाम लगाई है। जानकारी के मुताबिक शहर में भारी वाहनों की एंट्री से जाम लगता था, इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है। लखनऊ में गुजैनी थाना क्षेत्र के आनंद साउथ सिटी के पास अंग्रेजी शराब के नकली शराब बेची जा रही थी, जिसमें सूचना जैसे ही आबकारी विभाग को हुई तो तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक नकली शराब पकड़ने के बाद शराब बना रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, नकली शराब बरामद की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जो कानपुर में देखा है तो कल गुजरात थाना क्षेत्र के वनपुरवा जो इलाका पड़ता है उसमें जो अंग्रेजी शराब को फेंका उसमें जो देखा है तो लगभग एक पेटी लगभग हो सकता है जो अवैध शराब थी। कुछ कंपनियों ने अलग चार पेटी शराब पकड़ी थी जिसमें अलग अलग कंपनियों शराब थी, जिसमें नकली पैकिंग थी, नकली बोतलें पड़ी थी और नकली मशीन लगी थी। उसमें देखा जाता है आबकारी विभाग की टीम जो है उन्होंने मुखबर सूचना पर जो है वहाँ पे जो छापा मारा इनके खिलाफ जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं 400 का मुकदमा पंजीकृत है। पर सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग का हर महीने जो रूटीन बना हुआ है, रूटीन में जो चेकिंग होती है दुकानों की, तो ये क्या केवल खेल है कि केवल खाना पूर्ति है कि एक ही ठेके पे? पर देखा है तो कहीं ना कहीं कानपुर में देखा है तो लगभग 5 ठेके ऐसे बनाए हुए हैं जिनमें इस तरीके से कार्य हो रहा है पर आबकारी विभाग काम नहीं कर रही है, क्योंकि देखा है तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय पुलिस की जो है मिली भगत है। इसी कारण देखा है तो नकली शराब जो है और भी उसी ठेके में से नकली शराब बनाई जा रही है, ये तो एक बड़ा सवाल है। जानकारियों के लिए गोंडा में कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खोदा हरिपुरवा में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल जाते समय युवक लापता हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस थाने में की। फिलहाल पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, संदिग्ध परिस्थिति में युवक गायब हुआ था जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि ये थाना क्षेत्र कटरा बाजार के ग्राम पंचायत पदारीपुरा भदैया का है, जहां पे 2-3 दिन पहले पढ़ने गया था लड़का, पढ़ने गया था, इसके बाद वो लापता हो गया। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। कटरा थाने में तहरीर दी गई है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, गुमशुदी का पंजीकृत कर दिया गया, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। परिवार वालों का बहुत बुरा रो का हाल है। और इसको ट्वीट करने पर SP आकाश तोमर ने तुरंत संज्ञान में लेकर कटरा SHO को निर्देशित किया गया है, पुलिस छानबीन में लगी है। जी तमाम जानकारियों के लिए
फरुखाबाद में एसपी अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन में आईजीआरएस मामले निस्तारण में एक बार फिर अव्वल रहा। प्रदेश स्तर से जारी आईजीआरएस मानसिक मूल्यांक रिपोर्ट में जिले के 7 थानों ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें 7 थानों की आईजीआरएस मानसिक रिपोर्ट में समस्या निस्तारण की गुणवत्ता उच्च कोटि की रही। जानकारी के मुताबिक थाना मऊ, दरवाजा थाना, जहनाजगंज महिला थाना, थाना राजेपुर थाना, मीरापुर कोतवाली, फतेहगढ़ कोतवाली, कायमगंज के राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद के संतपुरा नहर पुल के समीप पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। वहीं मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। आज थाना पुलिस सिकंदराबाद द्वारा सिरोधन पट पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया। संदिग्ध बाइक पुलिस पार्टी को देख के भागने की कोशिश करी गई, जिसका पीछा किया गया। वो यहाँ संतपुरा नहर के पास बाइक स्लिप होने से गिर गया और पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी का आत्मरक्षा में फायर में जो संदिग्ध था वो घायल हुआ। संदिग्ध की पहचान हुई है इरफान पुत्र शौकत। यह 1279/17 कोतवाली नगर से लूट का मुलजिम है, वांछित चल रहा है। 18 का इनामी है, 15,000 का इनामी है। अलीगढ़ में प्रतिभा कॉलोनी क्षेत्र से पोखर के नजदीक नगर निगम द्वारा पूरे शहर का कूड़ा डाले जाने के कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों ने चौपाल लगाकर क्षेत्र अधिकारी व मैं नगर आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम नगर निगम पोखर के क्षेत्र में किसी भी मरे हुए पशुओं को व कूड़े को अगर नगर निगम की गाड़ी या कोई व्यक्ति यहां पर डालता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम होगा और इसके खिलाफ क्षेत्रवासी आंदोलन करने बाद होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता यहाँ पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने के लिए बाध होगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।